हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। देश में चुनाव करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से तीन मुख्य जो है कंधों पर रहती है, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। और इन दो चुनाव आयुक्तों में एक चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है अशोक लवासा। ये जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। कुछ दिनों पहले आपने इनकी खबर पढ़ी होगी, तब जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन को लेकर एक जगह पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई इनपे ऊपर वायलेशन ऑफ जो रूल्स होते हैं उनका वायलेशन का केस बनता है। तो इनको जो है एक नई जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी जिम्मेदारी? एडीबी का उपाध्यक्ष। आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में और ये भी जानेंगे कि चुनाव आयुक्त किस तरीके से कार्य करता है। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेन सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया आईआईटी कानपुर से केमिकल में। एसएससी सीजीएल 2017-18 का टायर 3 दिया है। यूपीपीसीएस लोअर और आईबी का इंटरव्यू दिया है। रेलवे का साइको दिया है और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी। अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें मिलने वाला है बहुत कुछ, बहुत सारे वीडियो कोर्स है साथ में। इसके साथ में मिलने वाले हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, क्विजेस और बहुत कुछ। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का के रूप में ऐड नहीं हुए तो जरूर हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दे रखा है, करंट अफेयर इन 10। जैसे ही आप इसे जो है वो अपने ब्राउजर में कॉपी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं कि अगर आप एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं 1 महीने से लेकर 24 महीने तक। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही सब्सक्रिप्शन है वो 12 महीने और 24 महीने का ही रहता है। 12 महीने जहां 6000 का है, वही 24 महीने 7200 का है। लेकिन अगर आप 10% का डिस्काउंट लगाते हैं तो 6000 वाला आपको मिलेगा 5400 में और 7200 वाला आपको मिलेगा 6480 रुपए में। तो आप दोनों ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम उस जो है कहानी की तरफ या उस मुख्य सुर्खी की तरफ जिसके बारे में बात हो रही थी, अशोक लवासा। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं अशोक लवासा की है। इन्हें बनाया गया है, इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष की, और ये बहुत बड़ी एक तरीके से जिम्मेदारी है। अब इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है भारत सरकार ने या फिर जो है एडीबी बैंक के बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने जो नई जिम्मेदारी दी है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर रहा होगा। दूसरी पर कुछ जो है वो उंगलियां भी उड़ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि ये जो चुनाव आयुक्त हैं, ये जो अशोक लवासा हैं, ये जो है वो आने वाले दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो ये बात पसंद नहीं आती। ये केवल क्लेम में कथित तौर पर ऐसे बातें कही जा रही है, अभी ऐसा कुछ भी सामने निकल के नहीं आया। आगे चलते हैं सुर्खियों में। अगर हम बात करें तो इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पद जो है वो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीई के लिए होगा। मतलब ये उपाध्यक्ष हैं और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये जिम्मेदारी है कि भाई आपको जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस हैं उनको डील करना है। क्योंकि देखो, जो एडीबी है इसका काम क्या है, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया में जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की, और ये इनको लोन देती है। जैसे हाल ही के दिनों में ईरान में जो है चाबहार जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एशिया में चल रहे हैं उनको जो है वो प्रोपोगेट करने का, उनको लोन देने का, उनको आगे बढ़ाने का काम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। हाल ही के दिनों में इसका निर्माण किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनकी नियुक्ति की गई है दिवाकर गुप्ता के स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिवाकर गुप्ता पहले इनके स्थान पर थे, उनको हटाकर अभी जिम्मेदारी किनको दी गई है, अशोक लवासा को। अशोक लवासा ने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था, और बतौर चुनाव आयुक्त लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक चलेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में 2020 में अगर ये चुनाव आयुक्त बन जाते, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते, तो काफी लंबे कार्यकाल तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहने वाले थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके ऊपर बहुत सारी जांचें भी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए ये बाकी चुनाव आयुक्तों से जो है वो सहमति नहीं रखते थे। इनके हिसाब से उन्होंने वायलेट किया था जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। लवासा जो है पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव भी रहे हैं। तो इनकी अगर हम पहले की पोस्टों के बारे में बात करें तो ये वित्त सचिव रहे। आगे चलते हैं।
हम चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं कि चुनाव आयुक्त का निर्माण किया गया था 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में इनका जो है वो निर्माण किया गया और इसी दिन नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही जो है वो इसकी स्थापना की गई थी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जिस आर्टिकल पे वर्क करता है वो आर्टिकल 324 है, 324 पर जो है वो चुनाव आयोग वर्क करता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इस टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके अगर हम आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष और 65 साल, जो पहले आएगा उस तक जो है वो चुनाव आयुक्त रह सकता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई चुनाव आयोग है जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अगर राष्ट्रपति ने किसी भी चुनाव आयुक्त का जो है वो उसको अपॉइंट कर दिया है, तो या तो 6 वर्ष खत्म होंगे उसके या फिर 65 साल, जो भी पहले आएगा उस टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे। मोस्टली में 65 साल पहले आ जाते हैं क्योंकि जो भी चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं वो काफी ज्यादा सीनियर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। थोड़ा एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला में, फिलीपींस में है। इसके टोटल 68 सदस्य हैं जो कि मोस्टली एशिया के देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मैंने अभी हाल ही बताया है कि जितना भी डेवलपमेंट होना है, चाहे वो एशिया में हो, साउथ एशिया में हो, ईस्ट एशिया में हो, किसी भी एशिया में हो, मुख्य रूप से इसका जो भी डेवलपमेंट होगा वो इसको प्रोपोगेट करेगा, आगे बढ़ाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एडीबी में अगर शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा अनुपात जापान का है। जापान सबसे ज्यादा पैसा एडीबी को देता है, इसके बाद चाइना भी बहुत सारा पैसा एडीबी में खर्च करता है। तो दो देश हैं बड़े बड़े जो एडीबी में पैसा देते हैं, एक तो है जापान और दूसरा है चाइना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां तक जो है वो सेशन था। तो ये जो सेशन है इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है और चुनाव आयोग को लेके आर्टिकल कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें। कोड क्या है? योगेंद्र। जब भी आप कोई नया कोर्स खरीदेंगे, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंक का हो, कोई भी सेक्शन का अगर आप कोर्स खरीदते हैं और अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या सर अगर मैं कोर्स खरीदूंगा तो क्या मुझे केवल GS का कोर्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोर्स खरीदते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके साथ साथ में सारे सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा आपको। आप उसमें मैथ भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, जितने भी एजुकेटर हैं प्लस पे या जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू और बाय बाय ऑल। खुश रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।